اچھا فراؤن لاب دے گی
और आपको अच्छे आशीर्वाद इस क्षेत्र से प्राप्त होता रहेगा। मैं इतने ही कहकर अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी राउत साहब। धन्यवाद आदरणीय जी से अनुरोध करूंगा कि मैं भी जब विश्वविद्यालय परिषद के पूर्व जिला संगठक प्रमुख रहे आप भी उद्बोधन करो तो हमें आशीर्वाद दें। और बहुत अच्छा अद्भुत कार्यक्रम होता है वैसे काफ़ी समय से करा रहे हैं और आपकी जो इसमें सहयोगी है और पूरी मंडली है उसको बहुत बहुत आप धन्यवाद के पात्र हैं क्योंकि ये सनातन व्यवस्था को आगे बढ़ाने के कार्यक्रम है। सब में ऊर्जा का संचार करने के दिन होते हैं तो सभी अपने माता ये माता रानी की आराधना करते हैं और उससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। एक जो अतिथि पधारे हैं और जो भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोगी कहा जाएगा तो ये भी सभी जो है सनातन और अपनी अपनी आध्यात्मिक जो व्यवस्था उसको आगे बढ़ाने में सहयोग प्रदान कर रहे हैं। बस मेरी सभी से ये कहना है माता रानी सभी के ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें और ये आध्यात्मिक स्तर सभी का उच्च कोटि का हो और आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद और हमें बुलाया और इसके हम बहुत आभारी हैं। मंचा सिंह आए हुए समस्त अतिथियों का माँ पद्मावती मंदिर समिति हार्दिक अभिनंदन करती है, आपका स्वागत करती है। हमारे छोटे से अनुरोध पर आपने अपने समय से समय निकाला और हमें हमेशा की तरह आपका आशीर्वाद मिलता आया है और आगे भी हम आशा करते हैं कि आपका आशीर्वाद आपका स्नेह मोहब्बत प्यार गुलाब इसी प्रकार हमें आगे भी मिलेगा। इसी के साथ धन्यवाद। जय Thank you.
Thank you.
इसी प्रकार से निरंतर प्रगति करें आप
से ये गरबा पहले जब शुरुआत में हुआ था तो छोटे से चालू हुआ था, लेकिन आज देखते हैं कि विशाल रूप ले लिया है और यहाँ की क्षेत्र की समस्त माताएं बहने यहाँ आकर गरबा रास करके माँ की आराधना और पूजा करती। आप सब ने यहाँ बुलाया, स्वागत करिए, उसको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय माता की। धन्यवाद भाई प्रदीप उपाध्याय जी। अब मैं हमारे बीच में नारी शक्ति के रूप में हमारे नगर निगम के सभापति श्रीमती मनीषा शर्मा जी भी यहाँ हमारे बालिकाओं को आशीर्वाद देने हमारे बीच में पहुंची है। मैं आपसे भी अनुरोध करूँगा कि आप भी बालिकाओं को और ये 9 दिवस जो माता जी के आराधना का पर्व है, खासकर नारी शक्ति महिला शक्ति का यह पर्व है, आप उनको आशीर्वाद स्वरूप अपना पूरण दें। आदरणीय निगम अध्यक्ष श्रीमती मनीषा शर्मा जी, माँ की आस्था, माँ की भक्ति और माँ की शक्ति का जो पर्व हम मना रहे हैं नवरात्रि, उसकी सर्वप्रथम आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ। हमारे भाई राजीव ऋषि रावत प्रतिवर्ष बहुत ही गरिमामय तरीके से गर्भों का यहाँ पर आयोजन करते हैं, उसके लिए मैं उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आप जिस तरह से हमारी सनातन संस्कृति और भारतीय संस्कृति के परिचय नवरात्रि पर्व को जिस तरह से यहाँ पर मनाते हैं, उसके लिए आप बहुत साधुवाद के पात्र हैं। और जिस गरिमामय तरीके से यहाँ पर आयोजन होता है, बहुत ही अनुकरणीय और अकल्पनीय होता है, उसके लिए राजीव जी रावत और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि 4 बत्ती 4 चौराहे पर वर्षों से गरबा रास होता आया है और यहाँ पर भाग लेने वाली हमारी मातृशक्ति, हमारी बालिकाएँ यहाँ पर जिस तरह से गरबा रास करती हैं 9 दिन में, उन सभी बालिकाओं ने यहाँ पर गरबा रास के माध्यम से माँ की भक्ति और माँ की आस्था का यहाँ परिचय देते हुए प्रतिवर्ष आयोजन होता है। मंच पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानीय अतिथिगणों को भी सादर प्रणाम करती हूँ, यहाँ पर उपस्थित मातृशक्ति को सादर प्रणाम करती हूँ। और एक बार आप सभी को मैं बताना चाहती हूँ कि इस वर्ष हमने कस्तूरबा नगर सांस्कृतिक गरबा समिति जो है उसमें मैं संरक्षक हूँ, और उसमें हमने वहाँ पर हमारे सभी गरबा मंडलों से एक ही आह्वान किया था कि वे गरबा तो प्रतिवर्ष कराते हैं, लेकिन इस वर्ष हम लोग आपसे एक निवेदन लेकर आए हैं कि हम गरबा कराएं और उसमें हम भारतीय संस्कृति और सनातन संस्कृति के अनुरूप हमारी माताएं बहनें उसमें परिधान पहने और जो फिल्मी गीतों पर जो नृत्य होता है उस पर प्रतिबंध लगाकर जो धार्मिक भजन और गरबा के जो गीत होते हैं उन पर गरबा हो। और इसके लिए आप सभी जो रतलाम शहर में गरबा मंडल हैं उनका बहुत ही अच्छा साथ भी हमें मिला और उन्होंने अक्षरशः उसका पालन भी किया। आप सबको एक बार पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। आप इस तरह ही हर बार इस तरह का आयोजन करते रहें। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। निगम अध्यक्ष महोदय, आप सभी का साधुवाद कि आप हमारे छोटे से निवेदन पर आज इस हमारे 4 बत्ती प्रांगण में और खासकर जो हमारा समीप क्षेत्र के रूप से जाना जाता है इस क्षेत्र में हमारे एक निवेदन पर आए, आप सभी का मैं हृदय से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। अरुण भाई बालिकाओं गरबा जी।
I'm not sure.
I'm gonna
आज जितनी भी बालिकाएं गरबा खेल रही है उनमें से जो श्रेष्ठ गरबा खेलेंगी ऐसी 20 बालिकाओं का आज चयन किया जाएगा। आज 20 पुरस्कार हमारे सहयोगी साथी डीजीएनआर केबल नेटवर्क, भाई कोठारी स्पोर्ट्स, भाई सुरेंद्र यादव मित्र मंडल, कृष्णा रावत मित्र मंडल, मयंक कोठारी मित्र मंडल द्वारा श्रेष्ठ जो बालिकाएं आज गरबा खेलेंगी उसमें से 20 बालिकाओं चयन हमारी महिला कार्यकर्ता कर रही है। उन 20 बालिकाओं का तो पुरस्कार वितरण वाले दिन किया जाएगा। मेरा बालिकाओं से अनुरोध है कि वे अच्छा से अच्छा और सर्कल में गरबा खेले ताकि हमारे जो कार्यकर्ता हैं महिला कार्यकर्ता जो अच्छी बालिकाओं का चयन कर रही है उनको दिक्कत ना हो।
ولا بوك
बाजे